हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार। बात करने आज आपसे सोनी की, जो 2023 में जो सोनी ने जितनी भी टीवीयां लॉन्च करी हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुझे पता है कंफ्यूजन हो रही है। मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों ने भर दिया भाई साहब, सोनी की ये टीवी, सोनी की वो टीवी, सोनी ने जितनी भी अच्छी टीवी, हाँ भाई साहब सोनी ने अच्छी टीवी ही लॉन्च करी सारी की सारी, जो कि खासकर बात करें 4K 43 इंच से लेकर के 65 इंच की, खासकर एक मॉडल में 85 इंच की साइज मिल रही है। आपकी पूरी की पूरी कंफ्यूजन आज हम दूर कर देंगे। खासकर अगर आपको सोनी की टीवी लेनी है 2023 मॉडल, जो इस साल लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं, और बेस्ट 4K टीवी अगर आपको लेनी है तो चलो जल्दी से आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने से पहले आप सभी को बता क्या करना है। चलो जाके जल्दी सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन कॉल करो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो यार, वीडियो को अपना आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले आपको बता देते हैं सोनी में इस बार जो कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा लोगों को, वो ये है कि भाई साहब कौन सी साइज की टीवी खरीदी जाए, कौन सी टीवी खरीदी जाए, आखिर एक दूसरे से सब टीवी मेल खा रही है, कौन सी खरीदी जाए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, 2023 में सोनी ने अभी तक 5 टीवियां लॉन्च कर दी हैं, 5 मॉडल की टीवियां। हाँ भैया साहब, 5 टीवियां, सोनी X64L, 70L, 74L, 75L एंड X80L, ये 5 टीवियां लॉन्च करी गई हैं, जो कि X और L सीरीज में लॉन्च हुई हैं। अब बात ये है कि भाई साहब कोई बोल रहा है सोनी X64L ले से या 70 ले, 74 ले या फिर 75 ले, या फिर आखिरी में सबसे बड़ा मॉडल जो इनका है वो 80L ले। देखो सब कुछ आपको बताएंगे और सबको एक साथ नहीं बताएंगे, नहीं तो हॉच पॉच हो जाएगा। क्लियरिटी से बताते हैं, आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले देखो सोनी X64L और सोनी X70L, इन दोनों में जो सबसे पहले स्टार्टिंग कन्फ्यूजन है, क्योंकि इन दोनों की प्राइस रेंज आपस में मिलती जुलती दूसरे से। देखिए सोनी X64L की बात करी जाए तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन ऑफलाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। सोनी X64L आपको ऑनलाइन मिलेगी लेकिन ऑफलाइन नहीं मिलेगी, लेकिन सोनी X70L जो है वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिलेगी। ये देखिए, ये कंपेरिजन मतलब एक तरीके से आपको बता रहे हैं आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। उसके बाद बात करिए तो दोनों ही टीवी में आपको ब्राविया सिंक नहीं मिलता। ब्राविया सिंक क्या होता है आपको हम समझा देते हैं। आप जब HDMI के थ्रू कोई भी साउंड बार या साउंड होम थिएटर सिस्टम लगाते हो इन दोनों टीवी में, सोनी X64L और सोनी X70L में, तो आप एक ही रिमोट से दोनों चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल तौर पे जो HDMI की जो टीवी आती है, HDMI से जब आपने होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करते हो किसी भी टीवी में, तो आप जैसे टीवी के रिमोट से वॉल्यूम तेज करते हो या फिर स्पीकर के वॉल्यूम से रिमोट तेज करते हो, दोनों में एक साथ जो है वॉल्यूम अप डाउन होती है, लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं होगी। टीवी के अलग वॉल्यूम अप होगी और होम थिएटर के लिए आपको जो होम थिएटर के रिमोट से आपको अप डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर कर देते हैं आपको। उसके बाद दोनों में ही आपको खाली दो साइज़ की टीवी मिल रही है, 43 इंच और 50 इंच, ठीक है। X64 और 70L में दोनों में आपको दो साइज की टीवी मिल रही है और दोनों में ही आपको प्रोसेसर सेम मिल रहा है, X1 प्रोसेसर, लेकिन यहाँ पे MEMC में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ध्यान से सुनिएगा, MEMC क्या होता है, MEMC जिसको सोनी अपनी भाषा में मोशन XR फ्लो कह रहा है। सोनी ने एक में मोशन XR को 100 रैंकिंग पर रखा हुआ, 100 मतलब 100 नंबर पर रखा हुआ, दूसरे को 200 नंबर पर, मतलब कि जो जिटरनेस है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट बॉल है या फिर कोई एक्शन फिल्म देख रहे हो उसमें तलवार चल रही है बहुत तेजी से, या फिर बॉल है फुटबॉल है तो कई सारी बॉल ना दिखे, जैसे मेरे हाथ है ना कई सारे दिख रहे आपको, ये कई सारे दिखे, ये सिंगल दिखे जिससे आपका दिमाग ना खराब हो देखने में, तो ये चीज़ जो है आपको, हालांकि दोनों में आपको MEMC इनेबल्ड मिल रहा है, लेकिन आपको X70L में थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, X64L में थोड़ा सा कम मिल रहा है, बस इतना ही फर्क है। बाकी डॉल्बी विजन और एटमॉस दोनों ही टीवियां नहीं सपोर्ट करती, HDR10 कंटेंट दोनों ही टीवी सपोर्ट करती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और डॉल्बी ऑडियो दोनों ही टीवी सपोर्ट करती है। डॉल्बी विजन और एटमॉस अलग चीज़ है और डॉल्बी ऑडियो अलग चीज़ है। डॉल्बी ऑडियो खाली एक साउंड क्वालिटी के लिए होता है और डॉल्बी एटमॉस साउंड के लिए होता है, लेकिन वो दोनों टीवियों में नहीं दिया हुआ है। बाकी स्पीकर्स दोनों में ही आपको 20 वाट के मिल जाते हैं और USB पोर्ट दोनों में ही खाली एक मिलता है, HDMI पोर्ट दोनों में 3 मिल जाते हैं और डुअल बैंड वाईफाई ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको कंफ्यूजन दूर होगी। अब बात ये आ जाती है भाई साहब दोनों में टीवियां ले कौन सी, बात करी जाए तो 43 इंच की साइज की बात करी जाए तो जो है आपको सोनी X64L में 43,000 रुपीज़ की मिल रही 43 इंच की टीवी, और अगर आप 70L की बात करोगे तो वो टीवी आपको लगभग मिल रही 47,490 रुपीज़ की एट प्रेजेंट टाइम, 43 इंच की बात करी है। वही 50 इंच की बात करी जाए तो X70L में आपको 57,940 रुपीज़ की मिल रही X70L में, और वही अगर बात की जाए X64L में तो वो आपको मिल रही 53,000 रुपीज़ की, तो दोनों में ही डिफरेंस लगभग वही 4,000-5,000 रुपये का। अब 5,000 के अंतर में अगर आप चाहे 70 लो, सॉरी आप चाहे जो है 15 इंच टीवी लो चाहे 43 इंच टीवी लो, 5,000 के अंतर में क्या हमको X70L लेना चाहिए, तो आपको सिंपल सा आंसर बोलूँगा, आप सोनी X64L की ओर ही जाइए, 70L की मत जाइए। आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ में खाली मोशन XR फ्लो मिल रहा है एक्स्ट्रा, जो इतना ज़्यादा डेली लाइफ में आपके यूज़ भी नहीं होता। मैंने जब दोनों टीवियों को सामने रख करके देखा मुझे कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं पता चला, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट आप डिफरेंस जबरदस्ती ढूंढने में आ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे नेकेड आई से आप देखोगे आपको कोई डिफरेंस समझ आएगा। यहाँ तक कि प्रोसेसर भी सेम है यार, रैम भी सेम है, स्टोरेज भी सेम है, सब कुछ सेम किया है, खाली बस ये है कि एक ऑनलाइन मॉडल है एक ऑफलाइन मॉडल है,
इतना ही अंतर है। बाकी ऑफलाइन मॉडल ज़्यादातर हर कंपनी अपने आप को महंगा बेचना चाहती है, तो यही एक सिस्टम है। आप ओप्पो के मोबाइल देख लीजिए, आपको ऑफलाइन ज़्यादा मिलते तो महंगे हैं, वही वीवो देख लीजिए, रियलमी देख लीजिए, ऑनलाइन ज़्यादा मिलता तो वो सस्ते मॉडल है। यही एक सिस्टम है, आपको समझ में आ गया होगा ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें सस्ती क्यों मिलती हैं, क्योंकि वो सबको दिख रही हैं यार। यहाँ पे आप ऑफलाइन जाते हो, दुकानदार आपको अपनी तरीके से समझाता है। इसीलिए मेरा सलाह यही रहेगी 64L ही खरीदिए सोनी की, जो लेटेस्ट मॉडल अभी आया है, और अप स्केलिंग टू 4K भी इसका भी बहुत अच्छा है। बाकी दोनों टीवी में मेरे हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं, जीरो डिफरेंस है। तो 5,000 रुपये अपने बचाइए, और 5,000 रुपये बचा करके एक बढ़िया सा स्पीकर ले लीजिए, और स्पीकर की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको सोनी X64L भी खरीदना है तो उसकी लिंक भी मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे 43 इंच की साइज खरीदनी हो, चाहे 50 इंच की साइज खरीदनी हो। इसके ऊपर की साइज तो अभी तक सोनी नहीं लाया इस टीवी में, 70L मत लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे के लाइनअप की ओर। देखो, अब दूसरा लाइनअप शुरू होता है, वो है सोनी X74L और सोनी X75L। मुझे पता है आप लोग हंस रहे होगे यार, 74 और 75 में सुन के ही लग रहा है बिल्कुल भी अंतर नहीं है, क्योंकि ये सोनी ने वही चीज़ है, सेम चीज़ है। 74L जो है वो ऑनलाइन मॉडल है, और जो 75L है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों में मिल जाएगा। हालांकि इसीलिए सोनी X75L थोड़ा सा महंगा है, और वही सेम डिफरेंस इसमें है मोशन XR फ्लो, जिसको हम MEMC आपको बताते हैं, जिटरनेस है ना, बॉल 2-3 दिखने लग जाती है, वही खाली एक डिफरेंस सिस्टम समझ में आया मुझे, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब दोनों टीवीओं को सामने रखोगे, आप चाहे 4K कंटेंट देख लो, आप HDR 10 प्लस के कंटेंट देख लो, आप स्पीकर की क्वालिटी देख लो, आप गेमिंग की क्वालिटी देख लो, हर एक मामले में आपको दोनों टीवी सेम मिलने वाली है। वही चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा, सोनी X74L ही लीजिए, क्योंकि देखिए सोनी X74L और 75L दोनों ही आपको ऑनलाइन मिलेंगे, लेकिन सोनी X74L आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, लेकिन X75L आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, इसीलिए मारे वो महंगा है। दूसरी चीज़, दोनों में ही आपको ब्राविया सिंक इसमें मिलता है, चिंता मत करिए, दोनों में ही आपको ब्राविया सिंक मिलता है, मतलब कि आप वही HDMI के थ्रू आप स्पीकर के एक ही रिमोट से अप डाउन वॉल्यूम कर सकते हो। उसके बाद साइज़ की बात करिए, सोनी X74L में आपको 55 और 65 इंच की साइज़ मिलती है, हालांकि X75L में आपको चारों साइज़ मिलती है, 43 इंच, 55 इंच, 50 इंच और 65 इंच, चारों के चारों साइज आपको मिल जाएंगे इसमें। प्रोसेसर की बात करिए तो दोनों में ही आपको X1 सेम प्रोसेसर मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। MEMC की बात की है तो वही MEMC जैसे मिला था, यही खाली एक छोटा सा डिफरेंस है इस टीवी को जो अलग करता है। इसमें आपको मोशन XR फ्लो सोनी के 300 है, उसमें हम 200 देते हैं, लेकिन इन दोनों में जो अंतर है ना, असली में बात करिए, आप दोनों के अंदर की बात करोगे तो एक को अगर आप 100% मान लो तो दूसरा आपको समझ लीजिए 90-98% तक वो भी है, तो डिफरेंस ना के बराबर। वही मैं कह रहा हूँ, आप गड़ा करके आके देखो, ज़बरदस्ती आप कमी ढूंढना चाहोगे तो ही आपको कमी मिलेगी। बाकी बात करिए, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों में ही नहीं मिलता है, ना ही आप अलग से डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर लगा सकते हो, हालांकि डॉल्बी ऑडियो के स्पीकर लगा सकते हो, लेकिन डॉल्बी विजन इस टीवी में सपोर्ट नहीं है, ना ही डॉल्बी एटमॉस इस सपोर्ट है। तो आप सोच रहे हो, अगर HDMI के थ्रू मैं एक नया डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर ले आऊँ 25-30 हज़ार रुपये का और लगा दूँ, नहीं चलने वाला है सारी टीवी में, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं किया गया, वो चीज़ डाली ही नहीं गई है, तो ये चीज़ आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, और 64L और 70L में भी डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर अलग से नहीं लगा सकते हो। बाकी बात की जाए स्पीकर की, तो स्पीकर दोनों में ही आपको 20 वॉट के मिल जाते हैं, और USB पोर्ट दोनों में 2 मिल जाते हैं, HDMI पोर्ट दोनों में 3 मिल जाते हैं, दोनों ही 75 और 74L में, और बाकी डुअल बैंड वाईफाई, ऑप्टिकल केबल, ईथरनेट, ये सब चीज़ें तो हैं, वो तो सारी टीवी में आपको मिलेगा। अब वही बात, दोनों टीवियाँ बिल्कुल सेम है, एक ऑफलाइन मॉडल है, एक ऑनलाइन मॉडल है, लेकिन ऑफलाइन मॉडल महंगा मिलेगा। ऑफलाइन मॉडल देखिए, ऑनलाइन तो मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन मॉडल जो ऑफलाइन ज़्यादातर होते हैं ना, वो महंगे जानबूझ के किए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक ऑफलाइन जाकर के ले रही, ऑनलाइन ज़्यादातर लेते हैं तो कंपनी को उसमें डायरेक्ट मुनाफा होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, कई सारे वेंडर्स बीच में आ जाते हैं, ऑनलाइन में क्या होता है, कंपनी ने खुद टीवी बनाई, सीधे अमेजॉन पे डाल दिया, फ्लिपकार्ट पे डाल दी, तो उसको बीच में किसी को पैसा नहीं। ऑफलाइन में क्या है, पहले वो टीवी कंपनी में बनेगी, फिर एक छोटे वेंडर के पास जाएगी, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ का चालू होगा, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, फिर वहाँ से आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएगी तो उसके नीचे का ट्रांसपोर्टेशन, हमेशा 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक छोटे वेंडर से जाते जाते नीचे, तो वो तीनों के तीनों वेंडर से अपने पैसा लेंगे, उसके बाद वो आती है फिर रिटेल शॉप में, जहाँ पे आप फाइनली जाकर टीवी उठाते हो, वो भी अपना पैसा लेगा, इसी मारे हमेशा टीवी 4-5 हज़ार रुपये महंगी हो जाती है। मेरा कहना ये है, आप सोनी X74L लीजिए, सोनी X75L मत लीजिए, पैसे बर्बाद करेंगे। फिर वही बात है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाने से अच्छा ये है कि आप बढ़िया से कोई होम थिएटर या साउंड बार सिस्टम ले आइए, और साउंड बार होम थिएटर के सिस्टम की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और हालांकि इन दोनों टीवियों की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, X74L और X75L की। प्राइसिंग की जल्दी से आपको बात बता देते हैं, तो देखिए सोनी X75L में आपको 43 इंच की जो टीवी है उसकी प्राइस है 49,000 रुपीज़, और भाई 50 इंच की और 55-65 इंच की प्राइसिंग आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये X75L की साइज़ की प्राइस आपको हम बता रहे हैं। हालांकि एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर आपको 43 इंच की साइज़ खरीदनी है तो वो आपको X74L में नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ आपको X75L ऑनलाइन जाकर के ले सकते हो,
ठीक है, खाली यही चीज़। लेकिन अगर आप 50 या 55 इंच की साइज लेनी है तो वो आपको, हाँ 50 इंच की साइज भी शायद नहीं है, तो एक बार देख लेता हूँ मैं, भूल गया, हाँ 55 और 65 इंच की साइज मिल रही खाली आपको X74L में। यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं है, सोनी जानबूझ के अपना X75L बिकवाना चाहता है ऑनलाइन ही। तो देखिए X55 और 65 इंच की अगर आप साइज लेने वाले हो X74L या 75L में कंफ्यूजन होता है, X74L। सोनी X80L की बात करी जाए तो देखो सोनी X80L में ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाएगा। ब्राविया सिंह भी है, 43 इंच, 50 इंच और 85 इंच की साइज मिल रही है। बीच की 65 और 75 इंच के खा गए हैं। HDR 10 प्लस कंटेंट सपोर्ट करता है। मोशन XR फ्लो 200 मिलता है आपको इसमें। और ये सबसे बड़ी बात, ये डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों को ही सपोर्ट करती है। हाँ जी, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस आपको दोनों ही चीज़ें आपको सोनी X80L में मिल जाएगा। बाकी बात करिए तो ये टीवी आपको QLED टीवी मिल जाती है। बाकी जो डॉल्बी ऑडियो भी आपको मिलेगा क्योंकि डॉल्बी एटमॉस मिल रहा है, साथ साथ में स्पीकर, लेकिन वही 20 वॉट की मिल रहा है। आप चाहे जितनी महंगी टीवी ले लो। और USB पोर्ट आपको इसमें 2 मिल रहा है, HDMI पोर्ट भी आपको इसमें 3 मिल रहा है, बाकी इथरनेट ऑप्टिकल के बाद सारे के सारे पोर्ट है। अब बात कीजिए इस वाली टीवी की, सोनी X80L की। इसके लिए मैं डेडिकेटेड आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से इसके लिए, क्योंकि मैंने पूरा पूरा अभी इसकी जो है सब कुछ देख रहा हूँ। पिक्चर क्वालिटी हालांकि मैंने देख ली, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। लेना चाहते हो इस वाली टीवी को ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सोनी X80L और सोनी X80K जो पिछले साल का मॉडल लॉन्च हुआ है, जस्ट थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ, 6-7 महीने बाद ये नया मॉडल लॉन्च लेकर के आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा यार, दोनों टीवियों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राइस का अंतर काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि सोनी X80K की बात करो तो आपको 43 इंच की साइज़ आपको मिली लगभग 70,000 रुपीज़ की, और वही आपको सोनी X80K लोगे, वही डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, X1 प्रोसेसर, सब कुछ सेम है, और वही प्राइसिंग आपको उसमें मिल जाएगी लगभग 62,000 रुपीज़ की। ये चीज़ सोच समझ के खर्चा करिएगा पैसा अपना। हालांकि अब आपको हम एक चीज़ फिर से बता देते हैं, आप फिर से कंफ्यूजन में आ जाओगे, सोनी X70L ले या 74L ले। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने अभी देखो आपको मैंने दो करके कंपेरिजन कराया, 64L और 70L में कंपेरिजन बताया, फिर 74L और 75L में कंपेरिजन बताया, लेकिन इन जो दो का और इन दो से आपस में कंपेरिजन नहीं बताया। रीजन बिहाइंड डैट, क्योंकि ये दो एक तरीके से बनाएंगे, ये दो एक तरीके से बनाएंगे, लेकिन तब भी आप सोचोगे कि सोनी X70L मैंने लेने के लिए मना किया। हाँ जी, मैंने मना इसलिए किया क्योंकि इससे अच्छा आप 74L ले लो, और 70L लेने से अच्छा है कि आप 64L ले लो। कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। 64L लीजिए या फिर सीधे 74L लीजिए, ठीक। ये दोनों आपको ऑनलाइन मॉडल आराम से मिल जाएंगे। और अगर आपको 43 इंच की साइज चाहिए तो 70L मत लीजिए, 75L ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 75L बहुत ज़्यादा अच्छी टीवी मिलेगी कलर पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि आपको 74L में 43 इंच और 50 इंच की साइज मिलती ही नहीं। इसीलिए तो सभी की टीवियों के जो लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे पता बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, तो मेरी वीडियो को दोबारा से एक बार 1.75x में लगा के देख लो, पूरी कंफ्यूजन दूर जाएगी। ना समझ आए फिर से देख लो, और तब भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहाँ पे आपको सारे के सारे आंसर मैं बैठा हूँ बिल्कुल टाइप करने के लिए। सारी टीवी की जो लिंक्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, और अच्छे स्पीकर्स की लिंक्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी अंडर 5,000 रुपीज़। तो तब तक टाटा बाय बाय।